like a Hellcat. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, अपना पहला चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस फॉर एजुकेशनल चैनल मित्रों सिर्फ एसएससी बैंकिंग रेलवे यूपीएससी पुलिस एग्जाम्स के लिए बनाए हैं, और टेक्निकल रवि दूसरा चैनल है जिस पर फुल्ली एंटरटेनमेंट चलेगा मित्रों। तो आज 13 अप्रैल 2020 है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है अपना चैनल पे डेली करंट अफेयर सेशन चलता है सुबह में। तो मित्रों, ये सेशन एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी बैंक यूपीएससी अकाउंट एनफोर्समेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो का लिंक होगा नीचे, नीचे होगा लिंक, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी क्लास ले सके। तो मित्रों, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो कोविड-19 के समय में सुरक्षित मातृत्व। मित्रों, एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि वर्ष 2020 में जब 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया तो इस वर्ष का थीम क्या था, विषय क्या था? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, कोविड-19 के समय में सुरक्षित मातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रॉस सिस्टम लर्निंग को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ दुनिया भर के भारतीय मूल के चिकित्सकों ने उस पहल के लिए सहयोग किया है। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कोविड-19। तो मित्रों, क्रॉस सिस्टम लर्निंग को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ दुनिया भर के भारतीय मूल के चिकित्सकों ने किस पहल के लिए, तो ये ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कोविड-19 के लिए सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, धागा, यह इस कंपनी की एक पहल है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र और झारखंड राज्य को लगभग 1.2 लाख मास्क की आपूर्ति की गई है। मित्रों, तो इसका आंसर क्या होगा, टाटा पावर। तो साथियों, टाटा पावर की एक पहल है जिसका नाम है धागा। मित्रों, टाटा पावर एक कंपनी है जिसका पहल कौन सा है, धागा, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य झारखंड राज्य को लगभग 1.2 लाख मास्क की आपूर्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्रीफेड किस योजना के तहत बजट गट द्वारा फेस मास्क बनाने के लिए मदद करेगा, तो ये वनधन योजना। मित्रों, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्रीफेड, ट्रीफेड का जो फुल फॉर्म है जिसका नाम है आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, इस योजना के तहत बजट गट द्वारा फेस मास्क बनाने के लिए मदद प्रदान करेगा, तो किस योजना के तहत, तो ये वनधन योजना के तहत। नेक्स्ट है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी करने के लिए नया पोर्टल और डैशबोर्ड नियुक्त किया गया है, बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, युक्ति, यानी कि यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो मित्रों, प्लीज़ अपने सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चे भी अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके और क्लास टाइम पर ले सके। नेक्स्ट है, किस कंपनी को उसके क्लब एनर्जी हैच स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए एडिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये टाटा पावर कंपनी को। मित्रों, टाटा पावर कंपनी अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के लिए 1,20,000 मास्क देने की घोषणा किया है। तो टाटा पावर कंपनी को उसके क्लब एनर्जी हैच स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए एडिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से, एडिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के विजेता कौन है, तो वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। मित्रों, सीनियर पत्रकार जिनका नाम क्या है, केजी सुरेश, इनको हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया गया है। अगला है, विद्यालयों के लिए, विद्यालयों के बच्चों के लिए इस सरकार की खुशी
की कक्षा परियोजना 12 अप्रैल 2020 से फिर से शुरू की गई है दिल्ली सरकार। तो विद्यालयों के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार की खुशी की कक्षा परियोजना, कौन सा परियोजना? खुशी की कक्षा परियोजना दिल्ली सरकार की परियोजना है और 12 अप्रैल 2020 से फिर से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई है? तो ये दिल्ली, यहाँ रेड सिग्नल और ऑरेंज सिग्नल दो माध्यम में, दो प्रकार में बांटा गया है यहाँ राज्य को। मित्रों अगला क्वेश्चन है, CRPF शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया CRPF शौर्य दिवस। अगला है, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लम भाई व सरम भाई मरवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है? तो ये गुजरात। अगला क्वेश्चन मित्रों, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के लिए विजडन क्रिकेटर्स अल्मा नैक द्वारा, किसके द्वारा? अल्मा नैक के द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? तो ये इंग्लैंड के बेन स्टॉक के, मित्रों इंग्लैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है बेन स्टॉक और ये ऑलराउंडर है इनको। नेक्स्ट है, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नासकॉम के, मित्रों नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? तो ओडिशा। और हाँ मित्रों, आज 13 अप्रैल है और आज एक और है इसमें न्यूज है कि 1 मई तक पंजाब सरकार ने भी लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दिया है। किसने? पंजाब ने 1 मई तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दिया है। अगला, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दिया है? तो 15,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है, एक यानी कि मरीजों की देखभाल के लिए यानी खाना दवाई पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया यानी कि निर्माण किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, करंट अफेयर बना। तो मित्रों कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। एनी इंक्वायरी के लिए आप लोग 8210-59-58 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मित्रों तो मैं रवि प्रकाश विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध। और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और RRB ग्रुप डी के लिए टॉप GK GS का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी करवाऊँगा। और हाँ मित्रों, हो सकता है तो आज नहीं तो कल मैं NTPC का टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेकर आऊँगा आप लोगों के यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन बेस पे, जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग सभी को कवर करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।